सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओप्पो के अपकमिंग स्मार्टफोन ओप्पो फाइंड एक्स 7 अल्ट्रा स्मार्टफोन के बारे में। इस स्मार्टफोन के लॉन्च डे से लेकर इस स्मार्टफोन के सभी स्पेक कंफर्म हो चुका है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि इस स्मार्टफोन में आपको क्या स्पेक देखने को मिलेगा, कौन से प्राइस पॉइंट पे इंडियन मार्केट में लॉन्च होगा और कब तक देखने को मिलेगा लॉन्च हो तो इंडियन मार्केट में। सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं ओप्पो फाइंड एक्स 7 अल्ट्रा स्मार्टफोन के डिज़ाइन से। तो डिज़ाइन देखा जाए तो बहुत ही बड़े देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ओप्पो का ये फ्लैगशिप सीरीज है। तो डिज़ाइन यहाँ पर आपको फ्लैगशिप देखने को मिल जाता है, काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन है। दो मॉडल में हमें देखने को मिलने वाला है, ग्लास और लेदर बैक के साथ में। आज भी उनकी फ्रेम रहने वाला है, तो फ़ोन काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम देखने को मिल जाता है। क्वाइट ट्रेल कैमरा सेटअप के साथ में देखने को मिलता है। डिज़ाइन को देखा जाए तो क्लियर देखने को मिल जाता है, तो डिज़ाइन के मामले में बहुत ही बढ़िया होगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। तो 6.82 इंच की बड़ी साइज की 1.5 के रेजोल्यूशन की LTPO AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में आएगा। डॉल्बी विजन का सपोर्ट रहेगा, 10+ का सपोर्ट रहेगा और कॉर्निंग ग्रेला ग्लास विक्टर्स के प्रोटेक्शन रहने वाला है। तो डिस्प्ले भी फ्लैशिव रहने वाला है। इस स्मार्टफोन में आप बहुत ही बढ़िया मल्टी रेजोल्यूशन कर पाएंगे, तो डिस्प्ले देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया होगा। डिस्प्ले से आपको कोई भी शिकायत देखने को नहीं मिलेगा ओप्पो फाइंड एक्स 7 अल्ट्रा स्मार्टफोन के डिस्प्ले से। और दोस्तों, डिस्प्ले के बाद नेक्स्ट बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। तो परफॉर्मेंस के लिए इस स्मार्टफोन में दिया जाएगा क्वालकॉम का फ्लैगशिप प्रोसेसर, स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 प्रोसेसर दिया जाएगा, जो कि 4 नैनो बेस्ड प्रोसेसर है, बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर है। एडिनो 750 GPU के साथ में आता है, 2 मिलियन के करीब एंथेटो स्कोर को निकाल के देता है। और ये प्रोसेसर हमने IQ12 में देख चुके हैं। और आने वाले अपकमिंग स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा और OnePlus 12 में भी यही प्रोसेसर हम देखने वाले हैं, तो काफ़ी बढ़िया प्रोसेसर है। परफॉर्मेंस को लेकर आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा ओप्पो फाइंड एक्स 7 अल्ट्रा स्मार्टफोन में। और दोस्तों, ये स्मार्टफोन रन करने वाला एंड्रॉइड का लेटेस्ट वर्जन एंड्रॉइड 14 पर। कलर वाइज देखने को मिलेगा और रैम ऑप्शन के बारे में बात करते हैं, तो 12GB 16GB तक आपको रैम ऑप्शन देखने को मिलने वाले हैं। और स्टोरेज ऑप्शन 128GB से लेकर 1TB तक आपको स्टोरेज ऑप्शन देखने को मिलेंगे ओप्पो फाइंड एक्स 7 अल्ट्रा स्मार्टफोन में। और दोस्तों, कैमरा के बारे में बात करते हैं, तो क्वाइट रियल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। 50MP का प्राइमरी कैमरा OIS का सपोर्ट रहेगा, 50MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो और 50MP का अल्ट्राइड कैमरा और 50MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो देखने को मिलेगा, जिससे आप 6x ऑप्टिकल जूम कर पाएंगे और इसके प्राइमरी कैमरा से 4K 30 और 60fps वीडियो शूट कर पाएंगे। सेल्फी कैमरा 32MP का होगा और इसके सेल्फी कैमरा से 4K 30fps वीडियो कट कर पाएंगे, तो सेल्फी कैमरा बहुत ही बढ़िया होगा। तो इसके सेल्फी कैमरा से बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के सेल्फी और वीडियो कॉलिंग पर आप कर पाएंगे। तो कैमरा देखा जाए तो बहुत ही बड़े देखने को मिलने वाला है। ओप्पो का फ्लैगशिप सीरीज है, तो कैमरा हमें बहुत ही बड़े देखने को मिलेगा ओप्पो फाइंड एक्स 7 अल्ट्रा स्मार्टफोन में। तो कैमरा के लिए ये स्मार्टफोन बहुत ही बढ़िया होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप एक कैमरा के लिए स्मार्टफोन चाहते हैं फ्लैगशिप में, तो ये स्मार्टफोन आपके लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। और कैमरा के बाद नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों बैटरी के बारे में। तो 5000mAh ये बैटरी दिया जाएगा इसे चार्जिंग करने के लिए 100W की फास्ट चार्जिंग। तो बैटरी और चार्जिंग के मामले में बहुत ही बढ़िया होने वाला है, 100W की फास्ट चार्जिंग दिया जाएगा, तो बहुत ही जल्दी से चार्ज हो जाएगा। और ऐसा एडवर्टाइज किया गया है कि 10 मिनट में ही 45% हो जाता है और 30 मिनट में ही 100% फुल चार्ज हो जाता है। तो देखा जाए तो चार्जिंग स्पीड बहुत ही बढ़िया देखने को मिलेगा। और ये ओप्पो का फ्लैगशिप सीरीज है, तो इस स्मार्टफोन में 50W के वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट रहने वाला है और 10W के रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट रहने वाला है। तो फ्यूचर देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाता है, बैटरी बैकअप बहुत ही बढ़िया देखने को मिलेगा और चार्जिंग स्पीड भी बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। बात करते हैं उधर फ्यूचर के बारे में। तो इंडिया फिंगरप्रिंट सेंसर, यूएसबी पोर्ट, NFC का सपोर्ट, बड़ी ऑडियो क्वालिटी के लिए स्टूडियो स्पीकर और IP68 रेटिंग देखने को मिलने वाला है। तो देखा जाए तो फीचर वाइज बहुत ही बढ़िया होगा ओप्पो फाइंड एक्स 7 अल्ट्रा स्मार्टफोन। तो दोस्तों, फाइनली जान लेते हैं कि ये स्मार्टफोन की प्राइसिंग क्या रहने वाला है और कब तक देखने को मिलेगा लॉन्च हो तो इंडिया मार्केट में। तो इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग 1 लाख के ऊपर रहने वाला है, क्योंकि ओप्पो का फ्लैगशिप सीरीज है। और ये स्मार्टफोन जनवरी 8 को चाइनीज मार्केट में लॉन्च होगा और उसके बाद नेक्स्ट मंथ बहुत ही जल्दी ओप्पो फाइंड एक्स 7 अल्ट्रा स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में लॉन्च हो देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।